नाज़रीन आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। करप्शन की एक और दास्तान मंजरे आम पर आ गई। मुसल्ला अफवाज के नाम पर सब्सिडी की मद में कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर दो पेट्रोलियम कंपनीज के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर दो पेट्रोलियम कंपनीज के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया। नैब ने निजी पेट्रोलियम कंपनीज के खिलाफ मुसल्ला अफवाज के नाम पर सब्सिडी की मद में कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर रेफरेंस दर्ज करने की इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से मंजूरी तलब कर ली। JP1 पेट्रोल को यूरिया खाद के साथ मिलाकर बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों निजी कंपनीज ने मुसल्ला अफवाज के नाम पर कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए का चूना लगा दिया। जराए के मुताबिक नैब ने 2.5 अरब रुपए के स्कैंडल का सुराग लगा लिया और तफ्तीश मुकम्मल करके रेफरेंस दायर करके इस्लामाबाद हेडक्वार्टर को रिपोर्ट अरसाल कर दी। नैब जराए ने बताया है कि दोनों कंपनीज ने पाक फजाइया बहरिया और आर्मी के नाम पर जनवरी 2013 से फरवरी 2016 तक रायती दामों पर JP1 फ्यूल हासिल किया और बाद में उसे आम मार्केट में फरोख्त कर दिया। इस तरह कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। नाज़रीन आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। करप्शन की एक और दास्तान मंजरे आम पर आ गई। मुसल्ला अफवाज के नाम पर सब्सिडी की मद में कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर दो पेट्रोलियम कंपनीज के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया। नैब ने निजी पेट्रोलियम कंपनीज के खिलाफ मुसल्ला अफवाज के नाम पर सब्सिडी की मद में कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर रेफरेंस दर्ज करने की इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से मंजूरी तलब कर ली।